आपको ये बात जानकर के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि भारत के एक फैसले से दुनिया भर के मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने लगा है। आपको याद होगा जैसे ही भारत में 5G को लॉन्च किया गया, दुनिया भर के अंदर जो भी बड़ी कंपनियां हैं 5G इक्विपमेंट्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने वाली, इन सभी के स्टॉक में काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाह रही हैं ताकि वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकें। और बीते एक हफ्ते में कोरिया, जापान, ताइवान की कई कंपनियों ने भारत के साथ कई बड़े मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी साइन किया है, जिससे वो भारत के अंदर अपने इन इक्विपमेंट्स को बड़ी स्केल पर मैन्युफैक्चर कर पाएं। और ऐसी ही एक बड़ी खबर निकल के आ रही है फिनलैंड की कंपनी नोकिया की तरफ से। वैसे तो ये कंपनी भारत में काफी लंबे समय से टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही है, जहां पर अपनी एडवांस और गुड क्वालिटी के चलते कंपनी भारत में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना चुकी है। और अब कंपनी ने कहा है कि वो भारत के अंदर अपनी कैपेसिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं, जहां पर हाल ही में रिपोर्ट से पता चला है कि कंपनी ने कहा है कि वो अब स्पेशली भारत के अंदर 5G इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में बहुत तेजी से काम करने जा रहे हैं। कंपनी कुछ ही सालों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 1.5 यानी डेढ़ गुना ज्यादा बढ़ाने वाली है। इससे भारत के अंदर कई सारे लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इससे भारत को एक और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर कई कंपनियां निवेश कर रही हैं, जिससे कंपनियों के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा और भारत को सस्ते 5G इक्विपमेंट्स आसानी से मिल जाएंगे। इससे हमें चाइना से बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें, नोकिया ने भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ पहले ही 5G नेटवर्क के लिए कई बड़ी डील साइन की है और इनके लिए चेन्नई यूनिट से बहुत सारे इक्विपमेंट की सप्लाई भी की जा रही है। कंपनी का कहना है कि हम एक साल के अंदर 5G इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले हैं और भारत के अंदर सबसे बड़ी स्केल पर इन इक्विपमेंट्स और टेलीकॉम से जुड़े सभी पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। हमने एक साल के अंदर लगभग 3,500 करोड़ से भी ज्यादा का टेलीकॉम मैन्युफैक्चर किया है, 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है और इससे निर्यात में लगभग 50% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जब बड़े स्केल पर इन 5G इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो भारत सस्ते दामों पर इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और फाइनली इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अपनी पहले ही क्वार्टर यानी 2023 के 3 महीने के अंदर ही अपनी चेन्नई यूनिट की कैपेसिटी को डेढ़ गुना ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे भारत के अंदर 5G इक्विपमेंट्स काफी हद तक अवेलेबल हो जाएंगे और भारत के 5G नेटवर्क को बढ़ाने में काफी बड़ा योगदान मिलने वाला है। और कंपनी इन फ्यूचर भारत के अंदर और बड़े निवेश करने की तैयारी में है। फिलहाल फिनलैंड की कंपनी नोकिया के लिए इस बड़े डिसीजन के बारे में और भारत के 5G लॉन्च के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।